अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि मिनी चोको लावा केक कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और बिना माइक्रोवेव अवन के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बिस्किट, मैंने यहाँ पे हैप्पी हैप्पी बिस्किट ली है 3, और मैंने यहाँ पे लिया है दूध, और मैंने यहाँ पे लिया है डार्क चॉकलेट। तो बस हमें इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें अपनी चॉकलेट को मेल्ट करना है, मैं इन्हें अवन में मेल्ट करूँगी। तो मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है अवन में, मैंने इसे 30 सेकेंड तक माइक्रोवेव मोड पे कर लिया है मेल्ट। आपके पास अगर अवन नहीं है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसे गैस पे भी मेल्ट कर सकते हैं डबल बॉयलर से। और मैं इन चॉकलेट को जो है बिल्कुल भी रेफ्रिजरेटर में नहीं डालूंगी, ये रेसिपी इंस्टेंट होने वाली है तो मैं इसे ऐसे यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी बिस्किट को जो है मिक्सर जार में डाल करके पीस लूँगी, इनका पाउडर हम रेडी कर लेंगे। तो मैं सारी बिस्किट को डाल दूंगी। और सारी बिस्किट डाल लेने के बाद इन्हें ढक देंगे और इनका पाउडर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिस्किट का पाउडर बना करके तैयार कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी दूध को। और दूध को डालते वक्त आपको ख्याल रखना है कि दूध आपको एक साथ पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है और चेक करना है कि इनकी कंसिस्टेंसी ठीक है कि नहीं, फिर डालेंगे। धीरे धीरे डालें, एक साथ डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है, और आपको बिल्कुल इसी तरह से चाहिए कंसिस्टेंसी इनकी। तो ये हो गए हैं, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने यहाँ पे अपम का पैन ले लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है सब में थोड़ा सा, और अब मैं इसमें डालूँगी अपने बैटर को, बिस्किट के बैटर को मैं डालूँगी जो हमने तैयार किया था। और हमें इसे पूरा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, आधा आधा डालना है बस। और आपको ख्याल ये रखना है कि फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देनी है, लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, और फ्लेम लो ही रखें आप, बिल्कुल भी हाई या मीडियम ना करें। तो मैंने इनको डाल लिया है सबको, और अब मैं इसमें जो है अपने चॉकलेट को डालूं। वैसे तो हमें चॉकलेट को रेफ्रिजरेट करना होता है, पर आपको अगर झटपट से बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसको 20 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करके चॉकलेट का आप गोल गोल बॉल बना करके डाल सकते हैं। तो टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, बस ये दिखते हैं कि अंदर से चॉकलेट हैं। और बस फिर इसके ऊपर हम दोबारा से अपने बिस्किट वाला जो बैटर है उसको डाल देंगे। तो बस ये मैंने सारा डाल लिया है अपने, और अब जो है हमें इन्हें ढक करके पकाना है। तो हम इन्हें जो है ढक देंगे, तो मैं इन्हें ढक दूंगी। 5 मिनट हो गया है, और अब मैं इन्हें खोल करके चेक कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से हो गए हैं, और अब हम जो है इन्हें टर्न कर लेंगे, और दूसरे साइड से भी हमें इन्हें पकाना है। तो मैं इन्हें टर्न कर लूँगी। ये रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही यम्मी लगती है ये। तो इन सब को टर्न कर लेंगे हम, और फिर दूसरे साइड से भी हमें इन्हें ढक के पकाना है, और दूसरे साइड हमें बस 2 मिनट तक इसे ढकना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं इन्हें ढक दूंगी। 2 मिनट हो गया है, और अब मैं इन्हें खोल करके चेक कर लूँगी। और बस हमारा जो मिनी चोको लावा केक है वो बन करके तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।